हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका क्रिएशन में। आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको कुछ जानने और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला के क्रमिक विकास के बारे में और जानेंगे प्री हिस्ट्री से लेकर आज तक की कलाओं के बारे में। भारतीय चित्रकला के इस टाइमलाइन को 5 भागों में भाग करके देखा है और इनके अंदर ही जो है बाकी के कलाएं आ जाती हैं। पहला है इंडियन आर्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम, दूसरा है अर्ली इंडियन आर्ट, तीसरा है मीडिएवल आर्ट और चौथा है 14th to 19th century या 15th to 19th century का जो आर्ट, जो कला है, और पांचवा है कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्ट। इसके अंतर्गत ही बाकी कलाएं आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम। पहला भाग है इंडियन आर्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, जिसमें प्री हिस्ट्री आर्ट ऑफ भीमबेटका और इंडस वैली आर्ट, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आते हैं। प्री हिस्ट्री आर्ट ऑफ भीमबेटका, यहाँ लगभग 6 लाख वर्ष पहले मानव ने सुरक्षा हेतु हथियार बनाना सीखा, फिर गुफाओं को अपना शरण स्थल बनाया, दीवारों पर जीवन के अनुभवों को चित्रित किया, जिसमें हंटिंग सीन, एनिमल, बर्ड्स और इत्यादि चित्र देखे गए। और यहाँ पे चित्रों में लाल, काले, पीले और कहीं सफ़ेद रंग का भी यह यूज़ देखे गए, लाइंस का यूज़ देखने को मिला, ज्योमेट्रिक फॉर्म यहाँ पे देखे गए और कृषि का विकास यहाँ पर देखा गया। अब आ जाते हैं हम इंडस वैली आर्ट, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में। तो इसका जो समय काल था वो 2nd century BC माना जाता है। इस सभ्यता में धातु का प्रयोग अधिक मात्रा में देखने को मिला। धातु से बनी पहली मूर्ति थी डांसिंग गर्ल की, जो मोहनजोदड़ो से यहाँ प्राप्त होती है। इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में चित्रों को उकेरा गया था। हाँ, मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिट्टी की पक्की मोहर देखने को मिली। फिर इस सभ्यता में जो है लिपि का विकास हुआ। लगभग 356 चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर देखा गया है। अब आते हैं हम दूसरे टाइमलाइन पर, जो कि है अर्ली इंडियन आर्ट। इसमें पहला नाम आता है बौद्धिस्ट आर्ट फ्रॉम गांधार एंड कुसाना स्कूल। इसका समय काल लगभग 1st century AD माना जाता है। इस काल में भारतीय राजवंशों द्वारा पल्लवित चित्रकला का प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया था, उसमें यहाँ के चित्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। गांधार स्कूल में रोमन धर्म की प्रधानता देखी गई। रोमन के जो देवता थे अपोलो, उनकी तरह यहाँ गौतम बुद्ध को बनाया गया, उनका मूर्ति जो है उकेरा गया था। यहाँ की मुख्य मूर्ति मानी जाती है सीटेड बुद्धा की, जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। गांधार बुद्धा बनाने के लिए वे लोग हरे रंग की फाइटाइट और ग्रे ब्लू माइका का यूज करते थे। उसके बाद आ जाता है बौद्धिस्ट आर्ट ऑफ सारनाथ, जिसका समय का लगभग 5वीं शताब्दी मानी जाती है। और इसके साथ ही चला केव ऑफ अजंता एंड इलोरा, जिसका समय का लगभग 5th century AD माना जाता है। अजंता में हमें महात्मा बुद्ध से जुड़ी उनकी जीवन कहानी देखने को मिलती है, जिसे जातक कहानियां कहा जाता है। अजंता जो है यह महाराष्ट्र में है। इस गुफा में चैत्य और विहार, रॉक कट केव देखे जाते हैं। इन गुफाओं में हीनयान, महायान स्कूल्स भी देखे गए जाते हैं। चित्रों को फ्रेस्को में बनाया गया था। 1819 में कैप्टन मार्गो ने सबसे पहले इसे देखा था। और इलोरा जो केव है, वहाँ जैनिज्म, हिंदुइज्म और बौद्धिज्म धर्म के चित्र और केव देखने को मिलते हैं। इलोरा का कैलाशा टेम्पल जो है एक प्रभावशाली और राजसी रचना मानी जाती है। इसके बाद आ जाता है चालुक्य आर्ट ऑफ बादामी, जिसका समय काल 6th century AD माना जाता है। यहाँ पे द्राविडियन शैली में वास्तुकलाओं का निर्माण देखने को मिला। मंदिर में पिरामिड शेप, मंदिर जो थे वो पिरामिड शेप के होते थे। पत्थरों पर मूर्तियाँ उकेरी गई थी
और इसके साथ ही चला पल्लव डायनेस्टी, हाँ, जिसका मुख्य एग्जाम्पल जो है महाबलीपुरम है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रकूटा आर्ट ऑफ दक्कन, जिसका समय का लगभग 8 से 10वीं शताब्दी माना जाता है। राष्ट्रकूट शासन में मूर्तिकला और वास्तुकला बहुत ही प्रभावशाली थी। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं इस युग के शानदार उदाहरणों में से एक हैं। तीसरा टाइमलाइन जो है वो है मीडिएवल इंडियन आर्ट का, जिसमें पहला नाम आता है चोला आर्ट ऑफ दक्कन, जिसका समय काल लगभग 10 से 13वीं शताब्दी माना जाता है। यह एक द्राविड कला और वास्तुकला के निरंतर सुधार और परिशोधन का युग था। इसके बाद आता है टेंपल ऑफ खजुराहो, जिसका समय काल लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद आ जाता है होयसाला आर्ट ऑफ बेलूर एंड हेलेबिदू, जिसका समय काल 12वीं शताब्दी माना जाता है। इसके बाद आता है कोणार्क एंड कलिंगा आर्ट, जिसका समय काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। कोणार्क मंदिर जो है यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह कलिंगा आर्किटेक्चर फॉर्म यहाँ इस मंदिर में देखने को मिलता है। पूरा एरिया ही जो है वह स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद आता है पेंटिंग्स ऑफ लिपाक्षी, जिसका समय काल 14वीं शताब्दी माना जाता है। यह भारत के आंध्र प्रदेश में है। लिपाक्षी हिंदू माइथोलॉजी के लिए अधिक फेमस मंदिर है, जिसमें शिवा, विष्णु और वीरभद्र का चित्र देखने को मिलता है। यहाँ पर शिव पुराण, शिव के विभिन्न रूप देखे जाते हैं। इसके बाद फोर्थ टाइमलाइन है 15th to 19th century आर्ट, जिसमें पहला आता है मुगल मिनिएचर्स, जिसका समय काल 16वीं से 17वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया पर्शियन शैली का प्रभाव देखने को मिला, मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिला, इलास्ट्रेशन यहाँ पर देखा गया। मुगल मिनिएचर की मुख्य विशेषता यह थी कि चित्रों में बॉर्डर देखे गए, जिसे हसिया कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है जैन फाइन आर्ट, जहां पर जैन कला में महावीर स्वामी के जीवन परिचय यहां पर देखने को मिला, जो कि कल्प सूत्र से संबंधित था। चित्रों को मैनुस्क्रिप्ट पेंटिंग कहा जाता था। इसके साथ ही चला पाल मैनुस्क्रिप्ट। इसके बाद आता है इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर, इसे इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ये जो है ब्रिटिश वास्तुकला का एक भाग है। इसकी मुख्य विशेषता है ऑनियन डोम्स, ओवरहैंडिंग बाज, पॉइंटेड आर्च, पुष्पल मेहराब, बंगाली शैली में घुमावदार छत और गुंबददार छतरी देखने को मिलती है, हरेम विंडो देखने को मिलता है, झरोका स्टाइल का विंडो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मुख्य उदाहरण है रामबाग पैलेस इन जयपुर। इसके बाद आता है दकानी मिनिएचर, जिसका समय काल लगभग 17 से 19वीं शताब्दी माना जाता है। फिर आता है साउथ इंडिया इस्लामिक आर्ट गोलकुंडा आर्ट। उसके बाद आता है मैसूर एंड तांजोर आर्ट। फिर आता है राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग, जिसमें अनेकों स्कूल्स और शैलियां देखी जाती हैं। अंतिम टाइमलाइन जो है वह है कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न इंडियन आर्ट का। इसमें पहला नाम आता है राजा रवि वर्मा का। इनका समय का लगभग 1884 से 1906 माना जाता है। ये है इनकी द्वारा बनाई गई चित्रकला। इसके बाद नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिनका समय काल लगभग 1861 से 1941 माना जाता है। ये रही इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला। इसके बाद नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का, इनका समय काल लगभग 1871 टू 1951 माना जाता है। इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला
कला ये रही। इसके बाद नाम आता है नंदलाल बोस का। इनका समय का लगभग 1882 से 1966 माना जाता है। ये रही इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला। इसके बाद जामिनी रॉय आते हैं। इनका समय काल 1887 से 1972 माना जाता है। ये है इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला। इनके चित्रों में ज्यामितीय फॉर्म और फोक आर्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद नाम आता है के हैबर का। इनका समय काल 1911 से 1996 माना जाता है। ये है इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला। इसके बाद अमृता शेरगिल आती हैं। इनका समय का लगभग 1913 यानी 1930 से 1941 माना जाता है। ये है इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला। इसके बाद आते हैं M.F. हुसैन। इनका समय काल लगभग 1915 यानी 1915 से 2001 यानी 2011 माना जाता है। इनके बाद भी और भी कलाकार आते रहे। और यहाँ उसके बाद जो है मॉडर्न बिल्डिंग्स आ गया, समय काल मॉडर्न और भी इरा आने लग गया। तो ये थे इंडियन आर्ट के कुछ क्रोनोलॉजिकल भाग जो कि मैंने आपको बताया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आए हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।